हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं यादव खाद बीज भंडार का यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर पास में गुलाबी सुंडी जो लगती है, आज इसके ऊपर आज एक वीडियो बनाई जाएगी कि हमें कौन से कीटनाशक की हमें स्प्रे करें जिससे हमारे खेत में जो गुलाबी सुंडी लगती है इसको कंट्रोल किया जा सके। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सूरज हमारे बीच में उपस्थित है, जो आज गुलाबी सुंडी के ऊपर जो रोकथाम के लिए इसमें दवाई उपचार बताएंगे कि कौन सी दवाई का हमें स्प्रे करना है और कौन सी कंपनी की वह दवाई होगी। तो अब हम चल सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज शर्मा, सुमितोमो केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। जैसे कि किसान भाई, आप सभी कपास की खेती करते हैं और आपके एरिया राजस्थान, सबसे ज़्यादा पंजाब में कॉटन की खेती होती है। तो जैसे कि अभी कुछ कपास के प्लॉट में देखने के लिए मिल रहा है गुलाबी सुंडी का सबसे ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। इस टाइम आप मोनोसील या हल्की पूरी को स्प्रे काम करते हो, उससे असर काफ़ी टाइम तक नहीं रहता है, लंबे समय के लिए नहीं रहता है। जो गुलाबी सुंडी मेजर समस्या होती है कॉटन में, जो लगभग 25 से 30 दिन का जो कपास होता है उस टाइम आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम अपन को कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिससे गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपके खेत में कम से कम देखने के लिए मिले, उसी के लिए हम बात करते हैं आज। जैसे कि सुमितोमो केमिकल जो स्पेशलिस्ट ग्रुप है उसका आता है एक सुमितोमो डैनिटॉल के नाम से। डैनिटॉल इसमें अंदर है पायरेथ्रोक्सिफेन 10% इसी फॉर्मुलेशन में। इसको आप 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी स्प्रे कर सकते हो। इसकी स्प्रे करने के बाद आपको 10 से 15 दिन तक गुलाबी सुंडी आपके खेत में नहीं दिखेगी। बहुत शानदार रिजल्ट इसका डैनिटॉल सुमितोमो केमिकल का, इसके खेत में आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। जैसे कि बारिश वगैरह हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो शाम के टाइम आप इसकी स्प्रे करो। इसके साथ आप NPK 1919 या कोई हल्का सा कोई फंगीसाइड लेके आप स्प्रे कर सकते हो। तो आप सभी देख रहे यादव खाद बीज भंडार के यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करो।